तो हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और ये जो वीडियो थोड़ी जल्दी आती बट थोड़ी सी लेट है क्योंकि हमारी आवाज़ कुछ ख़राब हो गई थी। मैं काफ़ी टाइम बीमार हो गया था और जब मैं दशहरे में गया था तब भी मैं बीमार ही था और इस वीडियो में मैं बहुत कम बोला है और अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, बट मेरे को लग रहा था कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट हो रही है, तो इसीलिए अब इसी आवाज़ के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो 12 बजे निकलना था, निकलते निकलते 3 बज गए। 3 बजे निकले हम रामपुर से और लगभग 4 बजे हम आनी थे यहाँ से। एक भैया को लेना था हमने साथ और यहाँ से निकलेंगे हम सीधे कुल्लू की तरफ। तो 6:30 बजे और हम बंजार लगभग पहुंचने वाले थे और वैसे ही हमारे को मिले ये बच्चे जो दशहरे पे आते हैं और ये अजीब सब भूत बना के नाचते रहते हैं और इनको पैसे देने पड़ते हैं, हर गाड़ी को रोकते हैं और मेरे को नहीं पता क्यों रोकते, बट ये बहुत मस्त लगता है इनका नाच। तो हमने इनको पैसे तो नहीं दिए, हमने बस 2-3 झूठ बोले कि हमने पीछे दे दी, ऐसे करके निकल गए। यार ऐसे मत करो यार, इतने दे दिए, उन्होंने बोला नहीं रोकने। अरे तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे जो अपने रुकने का है और मेरी आवाज़ बहुत बेकार हो गई है, गला बिल्कुल बैठा हुआ है, पता नहीं अभी आवाज़ आ रही होगी अच्छी कि नहीं आ रही होगी। बाकी अभी देखते हैं ठहरने का कैसा है, आगे मिलते हैं कल सुबह। अभी मेरा बोलने का मन नहीं था बट चलो मैंने सोचा बोल ही देता हूँ, कुछ ख़राब आवाज़ भी सुनाते हैं आपको। तो ये हम पहुँच चुके हैं कुल्लू और ये हमारे रहने का बंदोबस्त बढ़िया है, वैसे तो उतना बुरा भी नहीं है, मज़ेदार है, उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा। और गर्मी इधर कैसे रूम, वाह नहीं परे वाला थोड़ा अलग है, ये भी अच्छा है, थोड़ा अलग है नहीं ठीक है, ऐसी कोई से थोड़ा खराब है तो मांग को। ये है वॉशरूम, गीजर भी लगा है और अभी अभी जब पता लगा ये दोनों कमरे जॉइंट हैं। मेरी आवाज़ ही नहीं खुल रही है अभी तक। विदार होके तैयार होके आ गए हैं, सड़क मेरे पास गुड मॉर्निंग कैप्टन साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, मस्त धूप निकली है, अभी ठंड से थोड़ी राहत, गाड़ी की हालत बहुत ख़राब, दूरी दूर आते आते और मेरा गला भी तक नहीं खुला है तो बोलने का मन नहीं कर रहा वैसे बाकी। तो भैया पार्किंग की बड़ी दिक्कत, बहुत दूर पार्क करनी पड़ी गाड़ी, पैदल जाना पड़ रहा है ढालपुर की तरफ। तो जैसे ही हमने दशहरे में एंट्री मारी भैया डेकोरेशन देख के भाई मन ही खुश हो गया।
तो थोड़ी देर में पहुंचे मटल के बिल्कुल सामने और ये होने थे हमारे मैच और कबड्डी के मैच शुरू भी हो चुके थे, वॉलीबॉल के थोड़े लेट शुरू होने थे, तो हम वेट कर रहे थे कब जाके हमारे मैचेस शुरू हो। शाम के समय एक छोटी सी यात्रा निकलती है यहाँ से, जिसमें सबसे आगे घोड़े को चलाया जाता है और पीछे चलते हैं राजा जी और उनके साथ बिल्कुल देवता चलते हैं और बहुत एक अच्छा नज़ारा होता है देखने को। तो अभी हम महिला ग्राउंड में नीचे आ गए हैं और ठीक है बच्चों के झूले और बड़ों के झूले लगे हैं यहाँ पे। और स्टिल अभी तक मेरी आवाज़ सही नहीं है, स्विमिंग पूल भी है परे भाई, स्विमिंग रुक जाओ। अरे तो सारी गलियां घूम लिया लगभग, और जो हमारे को चाहिए वो मिल नहीं रहा, और जो पसंद आ रहा वो लेना नहीं है। पसंद तो बहुत कुछ आ रहा है बट वो लेना ही नहीं है, तो हम गलियां ही घूम रहे हैं बस। और ये हम रूम आ गए हैं, हमारी किट अच्छी खासी किट दी है, ये देखो बॉडी दिखा रहे दो बंदे, और लगभग आधी उम्र का है ये बिल्कुल, और बिल्कुल बॉडी सेम नहीं, ये वाली ज्यादा अच्छी है, पुश अप भाई बोल दो, ये बेकार है, बिस्किट ज्यादा अच्छे हैं, ये थोड़े बड़े नहीं अच्छे। यहां देखो ये है बॉडी, ये देखो।